कोरोना वायरस की वैक्सीन नू लेके आज देश भर च टीकाकरण प्रोग्राम शुरू कर दिता गया। इस दे चलते आज गुरदासपुर विच विधायक बिंदरमीत पहाड़ा ते दीनानगर विच कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी वालों टीकाकरण प्रोग्राम की शुरुआत की गई। आज पहले गेड़ विच सेहत विभाग के अधिकारियों ते कर्मचारियों नू कोरोना वैक्सीन लगाई गई और दूजे गेड़ विच फ्रंटलाइन ते काम करने वाले व्यक्तियों नू कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। गुरदासपुर तो रोहित गुप्ता की रिपोर्ट, लाइव भारत। जी तुहानू पता है कि सारा पिछला साल बहुत ही चुनौतियां भरिया रहा है कि सारा विश्व सारा संसार ही COVID-19 की महामारी नाल जूझता रहा, लेकिन एक खुशी की गल यह है कि हुण उहदा वैक्सीन जिहड़ा है उहदा जिहड़ा वह आ चुका है, उहदी रोकथाम वास्ते सानू काफ़ी इहदे विच सहायता मिलेगी। गुरदासपुर दे विच 9790 डोजिज जिहड़ियां ने आ चुकियां ने। सो जिहड़ियां वायल्स ने उहदे विच 10 डोजिज हैगियां ने। सो ये 28 डेज 28 दिनों के बाद फिर सैकेंड डोज है जी लगेगी। सो इस करके मैं लगता है कि इस वैक्सीन के आने नाल काफ़ी राहत लोगों को मिलेगी। गुरदासपुर के 3 सेंटर्स बने हैं जिथे लोग जाके, और पहली प्रियोरिटी जी है जी फ्रंटलाइन वर्कर्स से जिमें डॉक्टर्स हैं या जे नर्सिज हैं, जे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, या जे 50 साल तो उत्ते लोग हैं उन्होंने जे किसी बीमारी ना जूझ रहे हैं उन्होंने भी इंजैक्शन इस फस्ट फेज के लगाया जाएगा। बिल्कुल मुफ्त है जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो मैं समझती हाँ कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इन्होंने काफ़ी इस तरह के स्टैप्स चुके ने जिदे करके जिमें सब तो पहले पंजाब स्टेट से जिदे लॉकडाउन लग्या और सब तो पहले पंजाब स्टेट से जिथे कि करफ्यू लगाया गया ताकि इहदी रोकथाम जिहड़ी हो सके लोगों के, क्योंकि ये एक इंसान तो दूसरे इंसान तक जाती सी। सो इस करके इस चीज़ में जरूरी सी लॉकडाउन जिहड़ा सी बहुत जरूरी सी और इंश्योर किया गया कि हर घर दे विच राशन जिहड़ा आ वह पहुँचाया जाए। सो इस करके साडा पंजाब इस गल तो काफ़ी अगे रहा है और मैं लगता है कि अज जिहड़ा इंजैक्शन का फस्ट फेज जिहड़ा आ ये कंप्लीट हो जाएगा जदों, तो उहदे बाद काफ़ी हद तक इस बीमारी तो सानू राहत मिलेगी। अज करोना वैक्सीन की जिहड़ी शुरुआत पूरे पंजाब मुख्यमंत्री साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वालों की गई है और वक् वक् डिस्ट्रिक्ट के हैडक्वार्टर्स के उत्ते ते होर हॉस्पिटल्स दे विच जिहड़ी है शुरुआत इहदी प्रैक्टिकली डी साहब और मैं SMO साहब सिविल सर्जन साहब सारे इत्थे पहुँचे हैं जिहदी जिहड़े फ्रंटलाइन ते जिहड़े करोना वारीअर सीगे जिन्होंने पूरी मुश्तैदी दे नाल पूरे लगभग 10 महीने अगे हो के सारा काम किया और बहुत करोना वार्डस दे विच लगातार उन्होंने वर्क किया। अज उन्होंने उन्होंने शुरुआत की गई है, उन्होंने करोना वैक्सीन दी गई है जिहड़ा कि 28 दिन बाद फिर उन्होंने दोबारा जी सैकेंड डोज दी जाऊगी। बट ये जिहड़ा मेरी सारयां नू अपील है कि जिहड़ा जिहड़ा भी बंदा करोना वैक्सीन लवाएगा उहनू नाल दी नाल जिहड़ियां प्रिकॉशनस पहलां आपां लैंदे सीगियां उह लैणियां पैणगियां जद तक सारयां नू वैक्सीन जिहड़ी नहीं लग जांदी। सो मेरी अपील है कि सारे जिहड़े आ इह वैक्सीन लैण और प्रिकॉशन एज इट इज़ लैन जिन्ना चर पूरे संपूर्ण 100% सारे वैक्सीनेशन नहीं हो जाती। सो मैं धन्यवाद करदा गवर्नमेंट का, खासकर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जिन्होंने पंजाब के दी अज शुरुआत की है और खास करके सिविल हॉस्पिटल गुरदासपुर, क्योंकि उस समय दे विच साडे सिविल हॉस्पिटल गुरदासपुर दे विच बहुत वधिया प्रबंध रहे आ और सारे डॉक्टर साहबाना ने सिविल सर्जन तो लैके नीचे तक जाए कोई सफाई सेवक सीगा पूरे तनदेही दे नाल काम किया। मैं इन्हां दे नाल समय समय से हॉस्पिटल दे विच भी आउंदा रहा। सो अज परमात्मा अगे अरदास करदे आ कि जिहड़ी वैक्सीनेशन आई आ उहदे नाल जिहड़ा करोना इत्थों खत्म होवे और लोग सारे हसी खुशी अपनी जिहड़ा जीवन बतीत करन। ये मैं सारयां नूं मैसेज देना चाहुंदा। बेऔलाद जोड़ियां दे लई वरदान मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर, गर्भ दा ना ठहरना जिहियां बीमारियां दा शर्ती इलाज। चौदह से लेके 16% तक जो नई जनरेशन के कपल्स हैं वो इनफर्टाइल हैं क्योंकि उनका खाना पीना रहन सहन इनएक्टिव लाइफस्टाइल इसमें बड़ा रोल प्ले करता है और बेसिकली आज की डेट में 50-60% लोग जो माँ बाप नहीं बन पा रहे वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनएक्टिव खान पान की वजह से स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना। निराश हो चुके जोड़े एक बार जरूर संपर्क कर मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर।